देखो तो हम लोगों ने क्या देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ फोर टू एच ऑक्साइड करते हैं। कन्वर्जन ऑफ फोर टू एच ऑक्साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो रोस्टिंग करते हैं या तो कैल्सिनेशन करते हैं। रोस्टिंग कब करते हैं, जब सल्फाइड और होती है। कैल्सिनेशन कब करते हैं, जब कार्बोनेट और होती है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अगर मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, अगर मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं तो हम लोग उसको हीट से रिड्यूस करते हैं। मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज होती है तो या तो कार्बन से रिड्यूस करते हैं या फिर एल्यूमिनियम से रिड्यूस करते हैं। और हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज होती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये सब करने के बाद भी, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज रह जाती है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये केमिकल इम्प्योरिटीज ही रहती है, लेकिन ये इम्प्योरिटीज रहती है तो इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है। अब रिफाइनिंग के लिए एग्जाम में सबसे पहली चीज आती है कि आप कैथोड क्या लोगे, आप एनोड क्या लोगे और आप इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कैथोड हम लोग क्या लेंगे, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। क्या लेंगे, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। एनोड क्या लेंगे हम लोग, थिक स्लैब ऑफ इम्प्योर मेटल। क्या लेंगे, थिक स्लैब ऑफ इम्प्योर मेटल। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे क्या, सॉल्ट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल, जिसको भी हम लोग को क्या करना है, रिफाइन करना है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहां पर क्या करी, लेट्स से कॉपर का एक थिक स्लैब ले लिया। क्या ले लिया, ठीक स्लैब कॉपर है, ये किसका है, कॉपर का। का, कैसा होगा ये, इम्प्योर होगा। कैसा होगा ये, इम्प्योर इम्प्योर होगा। होगा। इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था वो अपन को कैथोड बनाना है। तो कैथोड के साथ हम लोगों ने क्या करा, एक थिन स्ट्रिप ले ली कॉपर की। क्या ले ली है, थिन स्ट्रिप ले ली कॉपर की। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, प्योर कॉपर, ये क्या है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, कैथोड। इसको हम लोग क्या बनाएंगे, एनोड, एनोड। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, CuSO4 का सोल्यूशन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहाँ पर ये जो CuSO4 है ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, Cu2+ और SO4 2-, Cu2+ और SO4 2- में ये क्या हो जाएगा, तो ये जो कॉपर आयन से, ये जो कॉपर आयन से ये क्या करेंगे, उठ के कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पे। कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि तो वो पॉजिटिव है, तो वो कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो ये जो Cu2+ है ये कैथोड पे क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर एटम बना लेगा। और ये कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे ही डिपॉजिट हो जाएगा। ये कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर ही डिपॉजिट हो जाएगा। अब इस वजह से ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर कॉपर आयन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एनोड पे से कॉपर आयन कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में चले जाएंगे। तो कॉपर है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एनोड को देगा, दो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉपर एनोड को। और क्या बन जाएगा, कॉपर आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर आयन। और ये जो कॉपर आयन है ये कहाँ जाएंगे, ये कॉपर आयन जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में। क्या, तो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में। इवेंचुअली जैसे जैसे रिएक्शन क्या करेगी, प्रोसीड करेगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, एनोड क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, कैथोड क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। और जब कैथोड जो है रीजनेबली मोटा हो जाएगा और जो एनोड है वो बहुत कम, थोड़ा सा पतला सा बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। और जो इम्प्योर एनोड है उसकी रॉड क्या कर देंगे, फेंक देंगे। बहुत बार देखते हैं कि एनोड के नीचे, जैसे यहाँ पर एनोड है, इसके नीचे यहाँ पर हमको क्या मिलती है, बहुत सारी
मड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड मड. क्या कहते हैं? एनोड और एनोड मड का पर्पस क्या रहता है, ये सारी इंप्योरिटीज रहती है, पर इसमें कभी कभी हम लोग को क्या मिलते हैं, नोबल मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर. क्लियर है क्या कहानी? जल्दी बोलो. पहला क्या है? सिल्वर है. सिल्वर होता है एजी. एजी किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फर से. और क्या बनाता है? Ag2S. ये कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का. तो तुमसे पूछते हैं कि कौन सी चीज कौन से कलर की है, या किस चीज के फॉर्मेशन से सिल्वर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है. ठीक है. दूसरा, जो कॉपर है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. जब कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. तो क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट बनेगा. क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट. कार्बोनेट और इस वजह से कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है ना. फिर आती है कहानी किसकी? आयरन की. आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है और मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करता है, जिससे क्या होता है, Fe2O3.XH2O बनता है. ठीक है. और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट कहते जस्ट हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज रस्ट, तो याद रखना ये एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होता है. क्या होता है? ब्राउन फ्लैकी लैकिंग सब्सटेंस सब्सटेंस होता है, फॉर्म व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर या फिर मॉइस्चर एंड एयर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, तो तब क्या बनती है? रस्ट बनती है. ठीक है. और रस्ट के लिए दोनों कंडीशंस क्या हैं? जरूरी है. मतलब एयर की प्रेजेंस भी जरूरी है और वाटर की प्रेजेंस भी जरूरी है. यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, पानी के ऊपर ऑयल डाल दिया है तो एयर का सप्लाई बंद हो गया है. यहाँ पर उन्होंने ड्राई एयर डाली है, क्यों? कैल्शियम क्लोराइड. अगर तुमसे पूछते कि कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, तो हमेशा याद रखना ये ड्राइंग एजेंट होता है. क्या होता है ये? किसी भी चीज में से क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. वन मार्कर्स में ये भी आ सकता है. क्लियर है. अब सुनो, कोरोजन अगर रोकना है तो सबसे पहला एजेंडा क्या रहता है? सबसे पहला एजेंडा रहता है कैसे रोकेंगे उसको? पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीजिंग से, गैल्वेनाइजिंग से, क्रोम प्लेटिंग जिसको हम लोग इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोलते हैं, एनोडाइजिंग से, या फिर अलॉयज बनाकर. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक के ऊपर जब हम लोग आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. अलॉइंग मतलब क्या होता है? दो या दो मेटल्स की को क्या कर दिया हम लोगों ने? मिक्स कर दिया. अब सुनो, आयरन और कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं? स्टील. आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन क्या बनाता है? स्टेनलेस स्टील. क्या बनाता है? स्टेनलेस जिसके तुम लोग बर्तन यूज करते हो. ठीक है. अलॉयज बनते कैसे? हम लोग प्राइमरी मेटल को क्या करके मेल्ट कर देते हैं. यहाँ पर स्टील के कहते हैं प्राइमरी मेटल कौन होता है? आयरन. आयरन और फिर बाकी दूसरे मेटल्स इसमें हम लोग क्या कर देते हैं? डिजोल्व कर देते हैं. इसके अलावा तुमको ब्रास याद रखना है और ब्रॉन्ज याद रखना है. ये दोनों किसके अलॉय होते हैं? कॉपर के. तो दोनों किसके अलॉय होते हैं? कॉपर के. ओके लेकिन याद रखो, जेड के साथ जेड नहीं आता. जेड के साथ जेड नहीं आता. ठीक है ना. तो अगर जेड के साथ जेड नहीं आता, इस बात का मतलब ब्रास के साथ कौन आएगा? जिंक. और ब्रॉन्ज के साथ कौन आएगा? टिन. टिन मतलब क्या? एस है. ठीक अमेलगम है. इसके अलावा तुम्हें याद रखना है अमैलगम. क्या याद रखना है? मर्क्यूरी का किसी भी मेटल के साथ जब अलॉय बनता है, मर्क्यूरी का किसी भी मेटल के साथ जब क्या बनता है? अलॉय बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमैलगम. क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि अमैलगम क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी का किसी मेटल के साथ जो अलॉय होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अमैलगम कहेंगे. इसके अलावा तुम्हें आएगा सोल्डर. सोल्डर होता है लेड और टिन का अलॉय. किसका होता है? लेड और टिन का. ये भी एग्जाम में आता है. ये इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रिकल वगैरह बनाने के क्या होता है? यूज होता है. इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या रहती है? कम रहती है, और इसलिए वेल्डिंग में काम आता है. बोलो, कोई परेशानी? नेक्स्ट, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है. ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? कॉपर या सिल्वर मिक्स करते हैं ताकि ये हार्ड हो जाए और फिर इसकी ज्वेलरी बन जाए. रुको, अभी बाकी है. फिर कहानी आती है किसकी? एक्वा रिजिया की. किसकी कहानी आती है? एक्वा रिजिया.
ठीक है ना। एक्वारिजिया क्या होता है, ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। क्या होता है ये, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर मिक्सचर होता है किसका, HNO3 और HCl का 3:1 रेशियो में। तो एक्वारिजिया क्या होता है, HCl इज टू HNO3 इन द रेशियो 3:1। कैसा HCl कॉन्सेंट्रेटेड, कैसा HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, और ये कैसे होने चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक्वारिजिया तो व्हाट इज एक्वारिजिया, एक्वारिजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये बहुत करोजिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है, और ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल्स को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस पे तुमको अभी एनसीईआरटी के उसमें क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा कि एक बंदा था, वो डोर टू डोर घूम रहा था और बोला था कि आपके गोल्ड के आर्टिकल्स को मैं क्या कर दूं, क्लीन कर दूं। फिर वो क्या हुआ कि एक घर पे गया, उधर पे क्या करा, एक बंदे से उसने गोल्ड लिया और उसको क्या कर दिया, एक लिक्विड में डाल दिया। जब लिक्विड में डाल दिया तो उसके बाद देखा कि लिक्विड का जो गोल्ड का ऑर्नामेंट था उसका वेट क्या हुआ, वो चमक तो गया लेकिन उसका वेट जो था वो क्या हो गया, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। तो ड्रास्टिकली रिड्यूस क्यों हो गया, फिर तो उसने एक में डाला था, एक्वारीजिया में डाला था, और एक्वारीजिया में डालने की वजह से सारा गोल्ड और सिल्वर प्लैटिनम तो क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, अब पीछे से कॉपर और सिल्वर रहेगा। क्लियर। और इस चैप्टर से एक कहानी और आती है जिसको हम लोग कहते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है कि जो सिल्वर एल्यूमिनियम रहता है वो बेसिकली क्या करता है, एनोडाइजिंग का केस क्या होता है कि हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो रहता है उसका नेचर कैसा रहता है, उसका नेचर कुछ इस तरीके से रहता है कि वो क्या करता है, खुद के ऊपर जो उसकी ऑक्साइड लेयर जमती है वो प्रोटेक्टिव। एनोडाइजिंग में क्या होता है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है वो कैसे होती है, प्रोटेक्टिव रहती है। कैसी रहती है, प्रोटेक्टिव रहती है, वो फर्दर एल्यूमिनियम को क्या नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक एक ऑक्साइड लेयर जमा देते हैं किसी भी चीज के साथ के ऊपर, किसकी, एल्यूमिनियम की। जिस भी चीज को हम लोग को क्या करना है, अगर प्रोटेक्ट करना है तो अगर उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या जम जाएगी, एक लेयर जम जाएगी तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम का जो भी आर्टिकल है उसको क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। इसलिए प्रोसेस का नाम क्या है, एनोडाइजिंग। इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसको किससे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जो ऑक्सीजन गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ इवॉल्व होती है, एनोड पे। जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ इवॉल्व होती है, एनोड पे। क्योंकि ऑक्सीजन गैस कहाँ इवॉल्व होती है, एनोड पे इवॉल्व होती है। तो एनोड पे इवॉल्व होने के बाद वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना लेती है, एल्यूमिनियम अच्छा ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर रहती है उसको फर्दर कोरोजन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और ये जो ऑक्साइड लेयर होती है इसको आप क्या कर सकते हो, इजीली डाई भी कर सकते हो ताकि वो एक अट्रैक्टिव फिनिश दे। बोलो, कोई परेशानी।